वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन के एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। खास तौर से जब वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है, मौखिक संप्रेषण किया जाता है, तब ये बात सामान्यतः हमारे कंसिडरेशन की होती है कि हम अपनी बात को ढंग से ऑडियंस तक पहुँचा पा रहे हैं या नहीं। हमने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, हमारे पास बहुत अच्छी जानकारी आप तक देने के लिए, पहुंचाने के लिए, लेकिन ऑडियंस का कनेक्शन नहीं हो पाया, ऑडियंस उसको कैश नहीं कर पाया, ऑडियंस तक वो बात नहीं पहुंच पाई, हमारा सारा एफर्ट बेकार चला गया। ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसी डायमेंशन को लेके आज हम कुछ इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है ऑडियंस एनालिसिस या श्रोता विश्लेषण। ऑडियंस यानी जो हमको सुनने वाले हैं, ऑडियंस जिनको हम मैसेज देने वाले हैं, उनका अगर एनालिसिस कर लिए हैं, अगर उनके बारे में तथ्य जुटाकर उनकी पहले से जितनी भी स्क्रीनिंग करनी है वो प्रक्रिया पूरी कर लें, तो आने वाले समय में जब एक्चुअल परफॉर्मेंस लेना है, जब ऑडियंस के सामने अपनी बात रखनी है, तब दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ऑडियंस की क्लास से कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है, इस तरह हमने सारी एडजस्ट हुई है, और आप अपने आप को उसके बारे में देखना भी कि ऑडियंस, क्योंकि क्लास रूम में भी आप बात सुनते हैं, अभी आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये बात भी आप तक पहुँचती है, तो इसमें आपने कितना केयरफुली लिसन किया, पिछली क्लास में लिसनिंग के सारे आस्पेक्ट हमने क्लियर कर लिए। अब यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि उस ऑडियंस का जैसा एक कंपोजिशन होता है, उसके जैसा एक सेट ऑफ माइंड होता है, उसके हिसाब से क्या शेप लेता है कम्युनिकेशन, और हम कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल नहीं हो पाते हैं, उसमें कौन कौन सी बातें मायने रखती हैं, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जब ऑडियंस की बात करें तो पहली बात होती है इनिशियल ऑडियंस या कैरियर ऑडियंस, जिसने सबसे पहली बार कोई मैसेज सुना वो है इनिशियल ऑडियंस। जैसे अभी आपको वो इनिशियल ऑडियंस की कैटेगरी में आ सकते हैं, हालांकि बाकी कैटेगरी की बात करेंगे इसमें भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हो, फंस सकते हो, स्टैंड कर सकते हो, वो बातें आप देखेंगे, लेकिन इनिशियली जिस ऑडियंस ने आपके द्वारा दिए गए मैसेज को सबसे पहली बार लिसन किया है, सुना है, वो कहलाता है हमारा इनिशियल ऑडियंस या कैरियर ऑडियंस। अब कैरियर ऑडियंस है, निश्चित रूप से बात है कि इस ऑडियंस के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि ये उस चीज़ को आगे बढ़ाए, खासतौर से मैसेज जिनके लिए है वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। जैसे कई बार हमने आपको, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसके ऊपर हम सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या ई कंटेंट अपलोड करते हैं, तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि जिन लोगों के नाम नहीं है उन लोगों से कॉन्टैक्ट करके, उनका कॉन्टैक्ट देकर इस लिस्ट में उसमें एडिशन कर दें। तो किसको किया, जिसने वो मैसेज ले लिया, जिसने पहली बार उस मैसेज को पढ़ लिया, जिसने पहली बार मैसेज को सुन लिया, वो हमारा इनिशियल ऑडियंस हो गया। अब ये जिसको कॉम्प्लेंस कैसे करना है वहाँ तक पहुँचाने की कार्रवाई करेगा कैरियर ऑडियंस के। दूसरी कैटेगरी है गेट कीपर ऑडियंस। गेट कीपर होता है किसी कैंपस के संस्था के मुख्य द्वार पर बैठा होता है, एंट्री देना है या नहीं देना है उसका डिस्कशन होता है, जिनको जैसे पास लगा हुआ है, पास वालों को डायरेक्ट एंट्री देनी है, किसी से पूछ के या टेलीफोन से पहले कॉन्टेक्ट कर ले कि इस व्यक्ति को अंदर भेजना या नहीं भेजना, तो ये डिसाइड करता है कि मैसेज को आया है, ये हो सकता है इनिशियल ऑडियंस के आगे कैटेगरी, एक नई कैटेगरी बन रही है कि हम जिस पक्षकार के लिए मैसेज है वहाँ तक पहुँचाएँ या नहीं पहुँचाएँ। जैसे असाइनमेंट दिया, तो असाइनमेंट सब लोगों ने कर लिया नहीं कर लिया इसके बारे में आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन अगर कर लेते हो तो ये कहलाएगा आपका, जिसमें आपने पूरी अपनी तरह से कोशिश की है गेट कीपर की भूमिका निभाने की कोशिश की। अब बात आती है प्राइमरी ऑडियंस की। प्राइमरी ऑडियंस ही वास्तव में वो ऑडियंस है जिसके लिए कोई भी मैसेज ड्राफ्ट किया गया है या कम्युनिकेट किया गया है। अब आपके लिए जैसे बातचीत हो रही है, आप इनिशियल ऑडियंस में रहे और आप प्राइमरी ऑडियंस ही बन गए, अगर मैसेज आपके लिए ही है तो आप प्राइमरी ऑडियंस के मोड में भी आ गए। आपने क्योंकि पहली बार रिसीव किया, पहली बार सुना, इसलिए आप इनिशियल ऑडियंस की हो, लेकिन प्राइमरी ऑडियंस वो ऑडियंस है जिसके लिए मैसेज ड्राफ्ट किया गया है,
किसके लिए मैसेज दिया गया है और जिसको मैसेज के ऊपर एक्शन लेना है, जिसको उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। ऑडियंस की वो कैटेगरी कहलाती है प्राइमरी ऑडियंस। तो ये कंटेंट्स आपको देना, ये वीडियो लेक्चर आपको देना, इसके माध्यम से एक तो आपकी क्या है पर्सपेक्टिव उस थीम के बारे में, विषय के बारे में आपका डेवलप हो जाए, और जब रेस्पॉन्ड करने की बारी आती है तो आप ढंग से रेस्पॉन्ड कर पाएँ, ये पर्पज होता है। इसलिए बेसिकली जिसके लिए मैसेज है, जिसके लिए वो संदेश तैयार किया गया है, जिसको उसके ऊपर रिएक्शन देना है, वो ऑडियंस कहलाती है प्राइमरी ऑडियंस। अब इसमें नया एडिशन आता है सेकेंडरी ऑडियंस। सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी कौन, प्राइमरी ऑडियंस जिसके बारे में अभी क्या बात की हमने, जिसको मैसेज के ऊपर एक्शन लेना है, जिसको वास्तव में कार्रवाई करनी है। अगर वो खुद कार्रवाई अपनी इच्छा से चालू कर दे तो इसका रोल क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका आंसर देने से पहले, इसको रेस्पॉन्स करने से पहले हमें किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए, पूछना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, उसकी राय लेनी चाहिए, किसके लिए, आपके साथियों की हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, या जिनके ऊपर आपको फेथ है, विश्वास है कि ये हमें इसके बारे में अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, तो वो मैसेज उनके लिए नहीं होते हुए भी वो ऑडियंस का पार्ट बन गए, वो है सेकेंडरी ऑडियंस। सेकेंडरी ऑडियंस कौन सा हो जाएगा, जो एक तरह से काउंसलिंग करेगा, जो आपको कंसल्टेंसी देगा, जो आपको उस कंप्लायंस तक पहुंचाने में मदद करेगा, वो मैसेज इसीलिए नहीं था, मैसेज उन पक्षकारों के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए कहा और आपने अपने सीनियर से बात कर ली, तो सीनियर्स के लिए मैसेज नहीं था, लेकिन मैसेज पहुंच गया, घर में पहुंच गया, आपने पेरेंट्स की हेल्प ली, आपने कोई एल्डर्स की हेल्प ली, तो जिनके साथ इस मैसेज का कोई सरोकार नहीं था उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना है, ये बन जाता है सेकेंडरी ऑडियंस, और बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हम कंसल्टेंसी किनके साथ करते हैं, विश्वास किनके ऊपर करते हैं, जो हमसे एज में बड़े हैं, जो हमसे एक्सपीरियंस में बड़े हैं, जिनके ऊपर हमें विश्वास है, उन लोगों के साथ हम अपनी सारी जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली हम कोई रेस्पॉन्ड करें, रेस्पॉन्ड करेगा प्राइमरी ऑडियंस। देखो इनिशियल ऑडियंस को रेस्पॉन्स करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्राइमरी ऑडियंस जिसके लिए मैसेज है उसको रेस्पॉन्ड करना ही करना है। अब ऑटोमेटिकली कर दें, आत्मप्रेरणा से कर दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन किसी से भी अगर पूछ लिया जाए तो वो मैसेज उसके लिए बिल्कुल नहीं था, उसको जानकारी होने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पता लग गया इसलिए, क्योंकि मैसेज पहुंच गया, ऑडियंस फुल बन गया, ये कहलाएगा सेकेंडरी ऑडियंस। इसका हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है वॉचिंग डॉग ऑडियंस। वॉचिंग डॉग का मतलब रखवाला कुत्ता वैसे, लेकिन यहाँ पर हमारा इस कैटेगरी का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। नज़र कौन, जैसे हम क्लास लेते हैं या नहीं लेते हैं, हम असाइनमेंट देते हैं या नहीं देते हैं, हम रेस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर वॉच कौन करेगा, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, हमारे कॉलेज एजुकेशन के डायरेक्टर, अगर ये उस प्रोसेस के ऊपर वॉच करते हैं तो ये बन जाते हैं वॉचिंग डॉग ऑडियंस, जिसका पर्पज खाली यही होता है कि मैसेज जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में जाना चाहिए था वो मैसेज पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो ये सारी की सारी वो कैटेगरी है, इसमें आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जैसे कि आपकी बने हैं, क्योंकि हमने तो मैसेज आपको इनिशियल ऑडियंस के रूप में या प्राइमरी ऑडियंस के रूप में दिया है, जो भी लेक्चर दिए हैं, जो भी ई कंटेंट दिया है वो डायरेक्ट आप तक पहुँचे या आपके माध्यम से किसी तक पहुँचे, ये अपेक्षा की है। अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो प्राइमरी ऑडियंस आप हैं हमारे हर मैसेज के लिए, हर यूट्यूब लेक्चर के लिए, हर ई कंटेंट के लिए हमारी प्राइमरी ऑडियंस आप सभी लोग हैं। अब इसमें सेकेंडरी ऑडियंस किसी की हेल्प करने की अगर आपने कोशिश की है, उसका इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, और कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी जरूर होगी जो सारे प्रोसेस के ऊपर नजर रखती है, वॉच करती है। उसका पार्टी बनना एसेंशियल नहीं है, लेकिन वो पार्टी बन जाती है क्योंकि उसका कंप्लायंस में रोल प्ले करना एसेंशियल होता है। तो इनमें से आपको कौन सी कैटेगरी में अपने आपको स्टैंड करना है, ये आप देख लें। बार बार हम बात कर रहे हैं, एक मिशन और दूसरा प्राइमरी, किस भूमिका में आप लोग हर समय, जब जब यूट्यूब लेक्चर भेजे जाए, जब जब ई कंटेंट भेजे जाए, ये कैटेगरी में आ जाए। खैर, जो बात है ये तो हमारे लिए ऑडियंस की बात है। अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऑडियंस एनालिसिस।
जब कभी हमें किसी भी ऑडियंस को एड्रेस करना है, जब किसी भी ऑडियंस के सामने अपनी कोई बात कहनी है, तो वो सक्सेसफुली वहाँ तक पहुँच जाए, उसमें चैलेंजेस कम से कम आए, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी एक ये सुविधा मिली हुई है कि अगर ऑडियंस का एनालिसिस कर लिया जाए, ऑडियंस के बारे में क्या क्या एनालिसिस करना है, ये एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ऑडियंस। हमें कोई भी मैसेज कहाँ देना है, उस ऑडियंस की साइज क्या है, कंपोजिशन क्या है। साइज का मतलब है कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, कितने लोगों की भीड़ वहाँ पर होगी, कितने गैदरिंग वहाँ पर होगी, और वो उनका कंपोजिशन कैसा, किस एज ग्रुप के हैं, किस सोशल ग्रुप के हैं, किस इनकम ग्रुप के हैं, उनकी मेंटल स्टेट की अगर बात आपके पास आ जाती है, ये उसका टोटल मिला के कंपोजिशन बनता है। क्योंकि हमने बार बार बात की है फर्स्ट ईयर से आपके साथ, हम इन बातों को शेयर कर रहे हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, तो ये कंपोजिशन जो बनता है, हम अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग होता है, इसलिए अगर उसके बारे में पहले से हमारे पास जानकारी है तो उसका कलेक्शन, खाली कलेक्शन नहीं, उसकी एनालिसिस करने की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एनालाइज करो ताकि उनके टेस्ट की बातें, उनके लेवल की बातें, उनकी पसंद की बातें अपने कंटेंट में, अपने मैसेज में आप इन्वॉल्व कर पाए। दूसरी बात है आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी ऑडियंस। प्राइमरी किस कैटेगरी में आ गए, प्राइमरी ऑडियंस हु हैज टू रेस्पॉन्ड द मैसेज, जिसको वास्तव में उसके ऊपर एक्शन लेना है, जिसको उस मैसेज का वास्तव में रिएक्शन देना है, वो कहलाती है प्राइमरी ऑडियंस। तो इतनी भीड़ तो बहुत सारी इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा मैसेज, हमारी सूचना, हमारी जानकारी वास्तव में किन लोगों के खास काम की है। बाकी कई बार शॉप में भी लोग आ जाते हैं, कई बार भीड़ भी इकट्ठा कर ली जाती है, ये दिखाने के लिए कि हम आपकी बात सुनने के लिए इतने व्याकुल थे कि हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट इसके बारे में किया हुआ है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता। हमारे लिए क्या है, किनके मतलब का मैसेज है, कौन लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे, किन लोगों को उसके ऊपर एक्शन हमको चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है। फिर एंटीसिपेटिंग द रिएक्शन ऑफ ऑडियंस। हमने अपने मुँह से कोई बात कही, हमारे मुँह से कुछ शब्द निकले, तो आप इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, हर शब्द पे, हर सेंटेंस के ऊपर सुनने वालों की, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं उसका कंपोजिशन बड़ी एक डाइवर्सिफाइड कंपोजिशन उसका माना जाता है, तो किस व्यक्ति के द्वारा किस तरह का रिएक्शन दिया जा सकता है, इसके बारे में आप पहले से एक्सपेक्ट करके चलो। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपकी जब कम्युनिकेशन में फ्लो चल रहा है, उसके बीच में कोई बात आती है, तो उसको रोका जा सकता है कि एक बार मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, उसके बाद में आप अपनी बात कह देना, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अपना मैसेज पूरा होने के बाद में, अपना स्टेटमेंट पूरा होने के बाद में, स्पीच खत्म होने के बाद में ऑडियंस को मौका देना है कि वो क्रॉस क्वेश्चन करें, किस बारे में, जो बातें उनको पसंद आई उसके बारे में बताएं, जिन बातों से वो एग्री नहीं करते उसके बारे में बताएं। अगर किसी भी तरह का कुछ अलग थॉट उनके दिमाग में पहले से है, उसकी भी आप खुलकर चर्चा कर लें, तो इसके बारे में पहले एंटिसिपेट कर लें, क्योंकि वहाँ पर जाकर अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया या किसी ने ऐसे कोई बात कर ली और आपका मतलब बॉडी लैंग्वेज बिगड़ गया, आप घबरा गए, चेहरे पर पसीने या एक एबनॉर्मलिटी के भाव दिख गए, तो वो ऑकवर्ड स्थिति बन जाती है। उससे पहले सारे रिएक्शन जितना बुरा से बुरा हो सकता है, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड थिंक फॉर द बेस्ट, ये हमारे लिए बहुत एक सक्सेस मंत्र माना जाता है कि हमारी तैयारी बेस्ट की है, अब खराब से खराब भी होगा, हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चले, ये हो जाएगा आपका एंटीसिपेटिंग रिएक्शन। फिर क्या है, नोइंग द रिलेशनशिप विद द ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए जिस ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। जैसे आपका हमारा क्या रिलेशन है, स्टूडेंट टीचर रिलेशन, इसी तरह जब किसी भी गैदरिंग में आप जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, तो वहाँ ऑडियंस के साथ आपका, या कंपनी में बात कर लें, अधिकारी अधीनस्थों के संबंध है, सुपरवाइजर और मैनेजर रिलेशन है, वर्कर्स और सुपरवाइजर्स रिलेशन है, तो हमारा उस ऑडियंस के साथ रिलेशन क्या है, इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट, हमारी लैंग्वेज, हमारा
जो उसका सेट है मैसेज का वो तैयार करना है। अब ये जब सारी बातें हो जाए अब अपने ड्राफ्ट को फाइनल टच दे दें। फाइनलाइजिंग मीन्स कम्युनिकेशन ड्राफ्ट, यानी ऑडियंस के साथ क्या क्या बातें शेयर करनी है, किन किन रूपों में शेयर करनी है, क्या क्या एग्जाम्पल देने हैं और क्या क्वेश्चन आने पर क्या रेस्पॉन्ड करना है, ये सारी बातें अब उसकी फाइनलाइजेशन की बात में इंक्लूड कर लें और बहुत अच्छा होगा एक बार रिहर्सल कर लें। अगर ऑडियंस अननोन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो उसके सामने जाने से पहले एक बार रिहर्सल करके देख लें, वो आपको जो भी हिसाब से बात आती है रिएक्शन की उसके बारे में खुद ही जितना बुरे से बुरा सोच सकते हो सोचो, और उसके बाद में रेस्पॉन्ड करने के लिए आपकी प्रिपरेशन है तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो एक फेलियर वाली बात होती है कि हमारी बात लोगों तक नहीं पहुँचती है, उसको रोकने के संभावित हमारे उपाय हो सकते हैं, ये प्रिपरेशन आपकी है, आप अपनी तरफ से कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ऑडियंस का अगर जुड़ाव नहीं हो पाता है, अगर ये बातें आपने करनी है तो ऑडियंस को भी अपने साथ जोड़ पाएंगे और वो मैसेज वास्तव में जैसा उसका एक्शन या रिएक्शन होना चाहिए उस लेवल तक पहुँचा देना आपको। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।